हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके क्विज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस की जाएंगे इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के अंदर 5 से 6 बार रिपीट हो चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आने की इनकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, और सभी को आंसर देना पड़ेगा विद इन 5 सेकेंड में सभी क्वेश्चन का। तो इसी तरह की और भी आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे जाके स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन नंबर ए है गण रूपक की, ऑप्शन नंबर बी है वंश भास्कर की, ऑप्शन नंबर सी है कुमार रासो की, ऑप्शन नंबर डी है बुद्ध विलास की। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वंश भास्कर की रचना की है साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में अकाल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? पार्क का क्या नाम है दोस्तों? अकाल लकड़ी जीवाश्म पार्क। ऑप्शन नंबर ए है श्रीगंगानगर में, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी है अलवर में, ऑप्शन नंबर डी है चूरू में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, और जैसलमेर जो जिला है वहां पर स्थित है अकाल लकड़ी जीवाश्म पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जालोर दुर्ग में, ऑप्शन नंबर बी है कुंभलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन नंबर सी है म्यूर ध्वज गढ़ में, ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वहां पर स्थित है और विजय स्तंभ जो कि राणा गुम्बा ने अपनी विजय के उपलक्ष में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चूटिया के रचयिता है? ऑप्शन नंबर ए है केसरी सिंह बारड़, ऑप्शन नंबर बी है कन्हैया लाल सेठिया, ऑप्शन नंबर सी है अर्जुन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है नेंसी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केसरी सिंह बारड़ है जो क्रांतिकारी रचना है जिसका नाम है चेतावनी रा चूटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर जो जिला है वहां पर स्थित है राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हीरा लाल शास्त्री को, ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड माउंट बेटन को। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है गुलाब चंद के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर बी है विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर सी है जमनालाल बजाज के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर डी है केसरी सिंह बारट के नेतृत्व में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ था बिजोलिया आंदोलन जो कि मेवाड़ का आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी
लोक नृत्य गुलाबों का संबंध किस लोक नृत्य से है? ऑप्शन नंबर ए है बागड़िया नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है पनिहारी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है गुड़ला नृत्य, ऑप्शन नंबर डी है कालबेलिया नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है जयसमंद, ऑप्शन नंबर बी है फाय सागर, ऑप्शन नंबर सी है राजसमंद, ऑप्शन नंबर डी है पंचपद्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचपद्रा जो झील है वो खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है? ऑप्शन नंबर ए है श्रीमती गायत्री देवी, ऑप्शन नंबर बी है श्रीमती सुमित्रा सिंह, ऑप्शन नंबर सी है श्रीमती गिरिजा व्यास, ऑप्शन नंबर डी है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल है राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती किस्म है? ऑप्शन नंबर ए है गेहूं की, ऑप्शन नंबर बी है चावल की, ऑप्शन नंबर सी है सरसों की, ऑप्शन नंबर डी है मूंगफली की। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चावल की किस्म है बासमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मरु उत्सव, ऑप्शन नंबर बी है महारो उत्सव, ऑप्शन नंबर सी है धोरारा उत्सव, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान उत्सव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरु उत्सव मनाया जाता है जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर जो जिला है वहां पर स्थित है राजस्थान का उच्च न्यायालय, और उसकी खंडपीठ की अगर बात करें तो वो कहां पर स्थित है? वो है जयपुर जिले के अंदर स्थित है, जो कि उसकी खंडपीठ है। और जो मेन जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर जिले में स्थित है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए है हनुमानगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी है सीकर में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हनुमानगढ़ जो जिला है वहां पर स्थित है बाड़मेर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भाषा की कृति पाथल और पीथल किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए है कन्हैयालाल सेठिया की, ऑप्शन नंबर बी है राम सिंह की, ऑप्शन नंबर सी है विजयदान देथा की, ऑप्शन नंबर डी है सुंदरदास की। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाथल और पीतल किसकी कृति है? कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित में से किस स्थान को अपनी राजधानी स्थापित की? ऑप्शन नंबर ए है दिवेर को, ऑप्शन नंबर बी है खमनौर को, ऑप्शन नंबर सी है चावंड को, ऑप्शन नंबर डी है गोगुंदा को।
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? ऑप्शन नंबर ए है एनपुरा से, ऑप्शन नंबर बी है नसीराबाद से, ऑप्शन नंबर सी है डूंगरपुर से, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नसीराबाद छावनी से स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति का आरंभ राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे निमाड़ का कबीर कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संत अफजल को, ऑप्शन नंबर बी है संत रामदेव को, ऑप्शन नंबर सी है संत धनाजी को, ऑप्शन नंबर डी है संत पीपाजी को। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संत अफजल को कहते हैं निमाड़ का कबीर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है चौहटन में, ऑप्शन नंबर बी है गोगुंदा में, ऑप्शन नंबर सी है नागदा में, ऑप्शन नंबर डी है भीनमाल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नागदा के अंदर स्थित है राजस्थान में सास बहू का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है मीणा जनजाति, ऑप्शन नंबर बी है कंजर जनजाति, ऑप्शन नंबर सी है गरासिया जनजाति, ऑप्शन नंबर डी है डामोर जनजाति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गरासिया जो जनजाति है उसका प्रमुख लोक नृत्य है जिसका नाम है वालर नृत्य। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके दोस्तों।